रहल छै, अगर सरकार तक नहि पहुँचै छै तऽ फेर आगा की प्लान छै? एक सप्ताह में यदि सरकार भारतीय मित्र पार्टी के ये मांग पूरा नहि करतै तऽ 10 दिन बाद फिर 2 तारीख के हम सब महाजुलूस निकालबे, पैदल मार्च करबे पूरा टाउन के अंदर। अच्छा, 2 तारीख याद कर ले, आज 22 तारीख है, 2 तारीख के जी 2 सितंबर के पूरा मधुबनी बिहार सरकार से मांग, हाँ मांग करै छिए। आ जब तक ही मांग वापस नहीं, हमरा सके मांग नहीं जब तक मानता थिन, आ ये स्मार्ट मीटर वापस नहीं लेथिन जब तक हम सब आंदोलन में। देखो जमीन के लग का बहुत ज्यादा वाद विवाद है, ये बहुत सारा एन केसेस है, लेकिन अखन सरकार के द्वारा सर्वेक्षण कैल जा रहा है, कहल छे आप खतियान निकाले में बड़ा सुविधा कह देल के है। सुविधा के नाम पे हाँ मोटा रकम देवे तो सुविधा है, नहीं तो असुविधा ही असुविधा। देखो अखन हमर उपस्थिति मधुबनी समाहरणालय के सामने है, जतः स्मार्ट मीटर लग जे विरोध भ रहल छे जनता के द्वारा, हुनका सबके द्वारा कहल जा रहल छे स्मार्ट मीटर में 1000 के हम रिचार्ज करै छी और महज 7 दिन के बाद अपन 0 बैलेंस भ जाय छे और पुनः रिचार्ज करय पड़े, तो कतौ न कतौ बिजली में हिनका सबके ज्यादा पैसा लग रहल छे, जे के विरोध में ई सब बिहार सरकार के विरोध में ई सब धरना पर बैसल छे। देख रहल बे भारतीय मित्र पार्टी एक दिवसीय धरना देने छे, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश महतो से बात करब, हिनका सबके 5 सूत्री मांग जे छन से की छन और ई सब एते स्मार्ट मीटर से एते के ज्यादा खफा किया छे जे स्मार्ट मीटर के लक अई दुआरे तकलीफ छे के जे रीडिंग वाला पुराना मीटर लागल है वही के अंदर यदि 100 रुपया के या 200 रुपया के मंथली जे गरीब के बिल माने है, जे एगो पंखा एगो बॉल जलबै छे, ओकरा स्मार्ट मीटर घर में लग लिया, आ जाकर चेक करियो रैयाम में, तो जे व्यक्ति के 200 रुपया बिल है वो आज 2000 रुपया एक महीना में बिल है, यानी के 20 गुना। तो मतलब एहन लूट साइत ही आज तक भारत के इतिहास में कोनो डिपार्टमेंट में मचल होते, जे बिजली डिपार्टमेंट के लूट है, बहुत आश्चर्यजनक बात है। दूसरी बात है कि जेना मान के चलो एक तरफ कहे सरकार बहुत गरीब है, लोग बात हकीकत है, गरीबी है बिहार में ज्यादा गरीबी है, 5 किलो एक तरफ आप मुफ्त राशन देते हैं कि ताकि आप जिंदा रह सके, और बिजली के नाम पे वहीं आप हजारों रुपया उससे लूट रहे हैं, तो ऐसे में वो परिवार आत्महत्या करेगा क्या करेगा, ये सरकार की जवाबदेही बनती है। दूसरी चीज है, तीसरी जो हम लोग की मांग है कि आप यदि कोई व्यक्ति जिले में जमीन रजिस्ट्री कराता है तो दाखिल खारिज कराने के लिए कर्मचारी के पास जाता है तो वो 5000 रुपए से चालू करता है कम से कम, जैसा पुराना रजिस्ट्री है, मतलब पुरानी खतियानी जमीन है तो उसमें आपको 50,000 रुपया, 25,000 रुपया, 20,000, मतलब जैसा आपको वो आदमी पट जाए, यानी के शायद भ्रष्टाचार नीतीश कुमार जी के जब से आए हैं 20 साल लगभग होने जा रहा है, अगला साल 20 साल हो जाएगा, 20 साल में बिहार को नीतीश कुमार ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन भ्रष्टाचार बखूबी दिया है, इतना भ्रष्टाचार है कि आप कहीं चले जाइए, थाने पे चले जाइए, किसी कर्मचारी के पास चले जाइए, जब तक उसकी जेब टेबल के नीचे से आप देंगे नहीं तब तक आपका काम होगा नहीं। 4 जमीन रजिस्ट्री मैंने कराया था 4 प्लॉट का पिछले साल, 1 साल हो गया कर्मचारी के पास वो फाइल रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि मैंने उसमें 4 फाइल में 1 रुपया नहीं दिया है। देखो जमीन के लग का बहुत ज्यादा वाद विवाद है, ये बहुत सारा एहन केसेस है, लेकिन अखन सरकार के द्वारा सर्वेक्षण कैल जा रहा है, कहल छे आप खतियान निकाले में बड़ा सुविधा कह देल के है। सुविधा के नाम पे हाँ मोटा रकम देवे तो सुविधा है, नहीं तो असुविधा ही असुविधा है, मोटा सा बात कह ली, ओकर टेबल गरम करियो तो अहाँ के काम होत, नहीं तो अहाँ के काम लटक जात कोनो ने कोनो बहाना लगा कर, और यदि टेबल गरम करे छे तो कोनो गलते काम किया नहीं, कर्मचारी तुरंत एक बिना सवाल जवाब के अहाँ के काज कह देत। दोसर तेसर हमार सबके डिमांड है कि चौथा कि जेना सबसे पहले जितने बंद पड़ल चीनी मिल है किसान के फायदा के लिए मिल चालू करायल जाए, क्योंकि अंग्रेज सब मिल चालू करेल के जै जमाना में रोड नहीं रहे वही जमाना में बिजली चालू भेले, क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाका है मिथिलांचल, तो अंग्रेज सबके सोच बेहतर छले कि बाढ़ प्रभावित इलाके में सालाना फसल गन्ने का होता है वो पानी में भी होता है, आई दुआरे मिल लगाल गेले। दूसरी बात बिहार के यदि
आगे ले जाए के है वास्तव में बिहार सरकार के। तो 24 घंटा जना हरियाणा दिल्ली पंजाब राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र में जो लाइन के व्यवस्था है वो व्यवस्था यदि जब तक बिहार में 24 घंटा लाइन नहीं सरकार देते तब तक छोटा छोटा उद्योग फल फूल नहीं सके है और बिहार कहियो तरक्की नहीं कर सके जब तक के लाइन 24 घंटा नहीं उपलब्ध होते। देखो कुल मिलाकर जनता के हित के जे मामलाकर बीएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी आई रौद कड़क रौद में समाहरणालय के सामने बैसल छथि। अगर सरकार तक नहीं पहुँचे छे तो फिर आगे की प्लान छे? सप्ताह में यदि सरकार भारतीय मित्र पार्टी के ये मांग पूरा नहीं करते 10 दिन बाद फिर 2 तारीख के हम सब महाजुलूस निकालबे पैदल मार्च करबे पूरा टाउन के अंदर। अच्छा 2 तारीख याद कर ले आज 22 तारीख है 2 तारीख के जी सितंबर के पूरा मधुबनी भ्रमण होते और लोग के जगावे के काम करते और आवे वाला समय में यदि मांग जितने जल्दी सरकार मान लेते उतने जल्दी सरकार के फायदा है नहीं तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन है ना बिहार में सफाया सुपड़ा साफ हो जाते क्या कि जनता में इतने जबरदस्त आक्रोश है तो समय रहते सरकार आई के ध्यान दो पब्लिक के मुंड के पहचानों के पब्लिक की चाह रहा है या पब्लिक से सरकार है सरकार से पब्लिक नहीं है ऐसी चीज के नीतीश कुमार जी यहाँ बढ़िया से बेहतर से समझ लिया। धनेश्वर महतो जी के पीछे पूरा जनता महिला पुरुष सबका भीड़ लागल छे जुलूस दिना इहो से ज्यादा भीड़ रहते है हम अभी नहीं बाजब उ दिन बताए और जितने लेट करते ही डिमांड पूरा हुए में पूरा बिहार में उग्र आंदोलन होते उग्र आंदोलन बिल्कुल मीटर सके यहाँ सबके हानि बढ़ रहा है। देखियो पहले जय गरीब गुरबा के 80 से 85 रुपया बिल आबै छलै पुरनका मीटर से जे रीडिंग होइ छलै आइ के डेट में ओकरा 800 से 1000 रुपया आबै छै जकरा 200 रुपया आबै छलै ओकरा 2000-2000 रुपया आबि रहलै है। तो ई बिजली डिपार्टमेंट नीतीश कुमार सरकार के जरिए बिजली डिपार्टमेंट भी गरीब जनता के बिहार के जनता के लूट रहलै छ। हाँ मांग करै छियै आ जब तक ई मांग वापस नहीं हमरा सबके मांग नहीं जब तक मानतथिन आ ई स्मार्ट मीटर वापस नहीं लेथिन जब तक हम सब आंदोलन में रहबै। चलू आ हिनका सबके द्वारा समाहरणालय के सामने एक दिवसीय धरना छै जे हिनका सबके मांग छै मेन पॉइंट जे जमीन के लऽ कऽ आर लोहाट मधुबनी जिला में जतेक चीनी मिल छै ओकरा खुलाबै के मांग छै संगे स्मार्ट मीटर में जे छै से हिनका सबके बहुत ज्यादा नुकसान भऽ रहल छै जे रिचार्ज करै छथिन आ महज कमे दिन के अंदर में ओ रिचार्ज खत्म भऽ जाइ छै। तमाम मांग लऽ कऽ बिहार सरकार के विरुद्ध सब धरना पर बैसल छथि। आब देखऽ के छै बिहार सरकार हिनका सबके बात कते जल्दी सुनै छथिन या हिनका सबके उग्र आंदोलन करै पर विवश करै छथिन।